गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट है आपका व्याकरण कुटीर। व्याकरण कुटीर में हम लेसन थ्री पढ़ रहे थे। लेसन थ्री का आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। हमने अधिकारी शब्द तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। जो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है उससे जो एक सार्थक अर्थ निकलता है वो वाक्य कहलाता है। जैसे विजय खेल रहा है, विजय क्या कर रहा है, विजय खेल रहा है। बालिका नाच रही है, बालिका नाच रही है, यह कितना सुंदर उपवन है। वाक्य के तत्व, वाक्य के दो अनिवार्य तत्व होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जब तक उद्देश्य और विधेय नहीं होता है वो वाक्य नहीं कहलाता है। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य क्या होता है, जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि विजय खेल रहा है, विजय के बाद हम क्या कह रहे हैं कि विजय खेल रहा है, ये हमारा उद्देश्य हो गया। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो यहाँ पे हम विजय के बारे में बोला जा रहा था, विजय खेल रहा है, तो विधेय क्या होता है, वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो विजय के बारे में बोल रहा था कि विजय क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलना हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। जैसे वह कितना सुंदर उपवन है, तो क्या हो गया यहाँ पे, सुंदर उपवन हमारा विधेय हो गया। उदाहरण के लिए बताया गया मोहन प्रयाग में रहता है, उद्देश्य इसमें क्या है, मोहन, और विधेय क्या है, प्रयाग में रहता है। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। फर्स्ट नंबर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, सेकंड नंबर है आपका रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार किए हैं, सात प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है आपका विधानवाचक वाक्य, सेकंड नंबर है विधेय, विषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर है ये विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं, वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। वे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वो हमारे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ था, दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो इनसे, इन वाक्यों से क्या है, जानकारी प्राप्त हो रही है ना, भारत क्या है, हमारा एक देश है, राम के पिता क्या थे, राम के पिता का नाम क्या था, दशरथ है, ये हमें जानकारी प्राप्त हो रही है ना। दशरथ कौन थे, अयोध्या के राजा थे, हमें इसकी भी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, विधेयवाचक, विधानवाचक वाक्य। अब सेकंड नंबर में है आपका निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। जिन वाक्यों में कार्य न करने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, क्या कह रहे हैं, मैंने दूध नहीं पिया, तो कार्य न होने का भाव प्रकट हो रहा है ना। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, इसमें भी कार्य न होने का भाव प्रकट होता है। तो हमारे ये क्या कहलाते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टुमारो, थैंक यू।